6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसके पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर कहा कि हम उन सभी को याद करते हैं जिन्होंने पार्टी का निर्माण किया, उन लोगों की अथक सेवा की है। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात सिपाहियों पर चाकू से हमला करने के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी के घर से पुलिस को नए सबूत हाथ लगे हैं, जिसके आधार पर वह किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता था। दरअसल मुर्तजा अपने घर की छत पर बीते कुछ दिनों से एयरगन से निशाना लगाना सीख रहा था। देश में आज 16वें दिन 14वीं बार पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमत में 80 पैसे की वृद्धि हुई है। अब दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमत 105.41 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। देश में 16 दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमत 9.96 रुपए बढ़ी है। यूक्रेन की बूचा में हुए नरसंहार पर संयुक्त राष्ट्र में चर्चा हुई है। इसमें भारत के राजदूत टीएस त्रिमूर्ति ने कहा कि मामले की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले कि यूएन जल्द कार्रवाई नहीं करता तो उसके होने का मतलब नहीं है। श्रीलंका में बिगड़ते हालातों के बीच राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने मंगलवार की आधी रात को इमरजेंसी हटाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने 1 अप्रैल को ही देश में इमरजेंसी लगाने का फैसला किया था। लगातार गहराते आर्थिक संकट के बीच देश भर में चीन के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। शेयर बाजार हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को गिरावट के साथ खुला। सुबह 10 बजे सेंसेक्स 482 अंकों की गिरावट के साथ 59,693 पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी 128 की गिरावट के साथ 17,829 पर कारोबार कर रहा है।